हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए सेट दूसरा आया है फटाफट साइंस का। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ऑप्शन पहला है 100 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, तीसरा -40 डिग्री या चौथा है 273 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो एक मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32/9। इसको हम सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं एक मान होता है तो। लेकिन अगर यहाँ पर केवल -40 डिग्री सी अगर हम एफ की जगह रख दें या सी की जगह रख दें, एफ की जगह रखेंगे तो सी का मान भी -40 आएगा और सी की जगह -40 रखेंगे तो एफ का मान भी -40 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो -40 डिग्री आएगा। इसको देख लीजिएगा, नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर तीसरा सवाल है, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, क्रोनोमीटर, कैलिपर्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ है और इसको किसने बनाया था? जगदीश चंद्र बसु ने, जेसी बोस ने इसका आविष्कार किया था। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। और जो क्रोनोमीटर है जलयानों में, ये क्या है? जलयान जो होते हैं उसमें समय बताने का यंत्र है। जलयान में जो पानी के जहाज हैं उनमें समय बताने का यंत्र है। और कैलिपर्स से कोई गोल पदार्थों की या गोलाई या व्यास, जो गेंद है या गेंद जैसे जो गोल पदार्थ हैं, तो इनकी इनका व्यास मापने के काम आता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1963 में कहां पर हुई? तो इसका राइट आंसर है थुम्बा केरल में, त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में नहीं हुई, थुम्बा केरल में 1963 में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई थी। एक बैरल में कितने मीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159, 1000, 100 या 256? तो इसका राइट आंसर है 159 लीटर एक बैरल में। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है 159 लीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के एस्बेस्टस नामक पदार्थ बनाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टस बनाया जाता है। ये एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस पदार्थ है, एस्बेस्टस, तो ये पदार्थ बनाया जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अग्निशमन वस्त्र बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो इसका राइट आंसर है अग्निशमन के वस्त्र बनाने में। अब देखिए, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो ब्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका नाम दूसरा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते हैं, तो इसका नाम दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है आप लोगों को? CaOCl2। तो CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाता है। कहीं भी हाइपो की जगह ऑक्सीक्लोराइड भी आ जाता है, CaOCl2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में दमा के रोगी हेतु कृत्रिम श्वास के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण दिया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो अस्पतालों में जो दमा के रोगी हैं या श्वास रोगी हैं उनको हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। अब आता है, देखिए, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG, TNT, TNP, इनमें से कोई नहीं। देखिए, TNG कहते हैं ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का नाम नोबेल तेल है, TNT ट्राइनाइट्रोटाइलून है और TNP ट्राइनाइट्रोफिनोल है। ट्राइनाइट्रोफिनोल को हम पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, इसको पिक्रिक अम्ल भी कह देते हैं, आप लोगों को जानकारी भी होगी ये क्या है पिक्रिक अम्ल। ये पिक्रिक अम्ल होता है, TNP ये ट्राइनाइट्रोटाइलून होता है और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को हम
नोबल तेल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिए लाल चींटी से फॉर्मिक अम्ल निकलता है, फॉर्मिक अम्ल जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड जो जलन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। मधुमक्खी जब काटती है, डंक मारती है, तो उसमें से मेथेनोइक पदार्थ निकलता है, और इमली जो है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, तो इसलिए इसमें उपरोक्त सभी, इसका मतलब ये सारे जोड़े सही हैं। नेक्स्ट चरण है वो कहाँ होता है, इसको समझ लीजिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु, हृदय, या इनमें से कोई नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है स्पाइनल कोर्ड या मेरुरज्जु। इसका जो आंसर है वो क्या है, स्पाइनल कोर्ड भी कहते हैं या मेरुरज्जु के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्पाइनल कोर्ड। तो स्पाइनल कोर्ड क्या है, मेरुरज्जु को कहते हैं, और इसको रीढ़ रज्जु के नाम से भी जानते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसके द्वारा ही प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहा जाता है, ये शरीर में दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, अगला प्रश्न है, 140 से 180 mg, 100 से 200 mg, 150 से 300 या 50 से 60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 140 से 180 mg, 140 से 180 mg क्या होता है इसका कोलेस्ट्रॉल हमारे रुधिर में सामान्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सरीसृपों का, उभयचरों का, पक्षियों का या मछलियों का? ऑर्निथोलॉजी को हम पक्षी विज्ञान कहते हैं, ऑर्थोलॉजी का मतलब, ऑर्निथोलॉजी का मतलब है पक्षी विज्ञान, तो हम इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक होता है लाइकेन, मॉस, ब्राफाइट या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन SO2, ये प्रदूषक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसकी सूचना किसे, लाइकेन से पता चल जाती है। उसके बाद आता है विषाणु से होने वाला रोग है, इंसेफेलाइटिस, ट्रैकोमा, हर्पीज या उपरोक्त सभी, तो ये जो इंसेफेलाइटिस है, ट्रैकोमा और हर्पीज, हर्पीज वायरस से ही आँखों में जो कीचड़ आ जाते हैं उसको ट्रैकोमा कहते हैं, इंसेफ्लाइटिस ये भी विषाणु से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर हो गया चारों, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष भारत में बच्चों के टीकाकरण से, मध्यान्ह भोजन से, खेल से, इनमें से कोई नहीं, तो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा, और ये प्रश्न आपको पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।